गाइस, मेरा आप लोगों से एक छोटा सा सवाल है कि गेम हम लोग मजबूरी में खेलते हैं। चलिए आप लोग ही मुझे बता दें कि भाई हम लोग गेम्स क्यों खेलते हैं। टाइम पास करने के लिए, जाहिर सी बात है, एंजॉय करने के लिए। जब हमारे पास टाइम होता है तो यार चले कोई गेम वगैरह खेल लेते हैं। अगर किसी गेम को आपको ज़बरदस्ती और मजबूरन खेलना पड़े तो मेरे ख्याल से वो गेम नहीं खेला था। अब मैं ज़्यादा कुछ कहना नहीं चाहता, आप लोग जानते हैं, समझदार हैं भाई। कैरम पूल को आज, मेरे ख्याल से यार कैरम पूल को अभी के टाइम पर गेम कहना तो गलत होगा यार, क्योंकि गेम्स ऐसी नहीं होती। आपने दुनिया भर की गेम्स खेली हुई होंगी, ठीक है। तो भाई मुझे आप लोग ही बताएं, क्या कैरम पूल जैसी आज तक आपने कोई गेम देखी है? भाई मैंने तो नहीं देखी यार, मतलब जिसमें इतने सारे हैकर्स भरे भरे पड़े हों, फिर भी हम लोग मजबूरी में भाई, क्योंकि हम काफ़ी सालों से ये गेम खेलते हैं। छोटे से छोटा टेबल हम लोग लगा कर खेलते हैं, उसमें भी हैकर आ जाते हैं। अब यहाँ पर ये गेस्ट अकाउंट है, ये देख ले भाई, 114 लेवल कर गया है बंदा, मतलब यार हद होती है। और ये कंपनी वालों को घंटा फर्क नहीं पड़ता। उसका रीज़न गाइज आज के स्टूडियो में मैं आप लोगों को बता देता हूँ। उसका रीज़न है कि भाई उनकी कई सारी गेम्स हैं, उनकी सिर्फ एक गेम नहीं है। जैसे कि दूसरी बड़ी बड़ी गेम्स की कंपनी, फ्री फायर हो गया, पबजी हो गया, उन कंपनीज की ज़्यादातर एक एक या दो दो गेम्स ही होती हैं। लेकिन भाई इन कंपनीज़ की ना भाई, मतलब कई सारी गेम्स होती हैं, इनको घंटा फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए तो ये ज़्यादा इतनी बड़ी कंपनीज ही नहीं बन पाती ना, यही डिफरेंस होता है इनमें और उन गेम्स की कंपनी में। असल गेम वो होती है जिसको खेलने में भी मज़ा आए। अब ये भाई भी कल को आकर कहेगा कि भाई मेरी आईडी बैन कर दी, खुद हैक यूज़ कर रहे होते हैं। अब यहाँ पर ये गाइस एक गेम है कैरम क्रिकेट, यहाँ पर मैंने फेयर में 2 दिन या 3 दिन जो है एक एक घंटा खेला होगा। मतलब 2-3 घंटे मैंने गेम खेली और कंट्री में मैं थर्ड नंबर पर आ चुका हूँ। और सिर्फ मैं एक गेम अगर विन करता हूँ तो मैं सेकेंड नंबर पर आ जाऊँगा कंट्री में। मतलब गेम्स ऐसी होती हैं जिनको खेलने में मज़ा आए और बगैर कोई हैक यूज किए भी अगर आप खेलो तो कुछ ना कुछ आप अचीव कर पाओ गेम के अंदर, उसी को गेम कहते हैं। अब यहाँ पर ये गेम का गेम प्ले भी आप देख सकते हैं, काफी कमाल का गेम प्ले है यार। मतलब यहाँ पर आपको चारों जो पॉकेट्स होते हैं उनमें अलग अलग स्कोर दिए जाते हैं, आप जिस भी पॉकेट में अपनी पक डालेंगे आपको उतने ही स्कोर मिलते हैं। और यहाँ पर एम असिस्ट का भी ऑप्शन होता है, आपके पास कुछ लिमिटेड एम असिस्ट होते हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हैं काफ़ी डिफिकल्ट शॉट खेलने के लिए या इनडायरेक्ट शॉट खेलने के लिए। इसके अलावा आपको T20 के अंदर 50 जो स्कोर होते हैं उसका टारगेट कंप्लीट करना होता है। बाकी इसके अंदर वनडे का भी मोड है, उस वनडे के अंदर आप खुद ही टारगेट देते हैं और खुद ही जो है उस टारगेट को आपको डिफेंड करना होता है विकेट से लेकर। मतलब पूरा कैरम और क्रिकेट का मिक्सचर है ये गेम। मुझे तो भाई खेलने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। अब यहाँ पर 46 रन हो चुके हैं हमारे और ये 4 स्कोर हमने खेल दिए और यहाँ पर हमारे गाइस 50 रन कंप्लीट हो चुके हैं और टारगेट कंप्लीट हो चुका है, तो मतलब हम गेम विन कर चुके हैं। और ये गाइस मैं 1 मिलियन का टेबल खेल रहा हूँ, आप इसे अंदाज़ा भी लगा सकते हैं। आप कैरम पूल में इस तरीके से फेयर खेल कर जाकर 1 मिलियन का टेबल मुझे विन करके दिखाएं भाई, मतलब कर सकते हैं भाई बहुत सारे लोग, लेकिन भाई बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं भाई कंट्री में मैं सेकेंड पोजिशन पर आ चुका हूँ। मैंने 2 दिन पहले या 3 दिन पहले गेम डाउनलोड की होगी और खेला तो भाई मैं सिर्फ 2 दिन से हूँ, एक एक या दो दो घंटा मैं ज़्यादा से ज़्यादा दिन में खेला, इससे ज़्यादा मैंने नहीं खेला और सेकंड पोजीशन आ चुकी है। और मैं अगर चाहूँ तो अभी 17 घंटे रहते हैं, मैं फर्स्ट पोजीशन ईजिली हासिल कर सकता हूँ। लेकिन गाइज देखते हैं, लेट्स सी, क्या आप लोग चाहते हैं कि भाई मैं कंट्री टॉप करूँ? तो भाई कॉमेंट्स करके लाजमी से बताना है आप लोगों ने।